हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी एनसीईआरटी के बुक में सांपों के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर हम सांपों की बात करें तो भारत में कई सारे सांप आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली अगर जहरीले सांपों की बात करते हैं तो सिर्फ चार प्रकार के जहरीले सांप ही भारत में देखने को आपको मिलते हैं, जिनमें से पहला हो जाता है आपका नाग, यानी जिसे इंग्लिश में कोबरा भी कहते हैं। हो सकता है आपने कभी देखा भी हो। कोबरा एक जहरीला सांप है जो भारत में पाया जाता है। इसकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। अगर भारत के एरियाज की बात करें तो ये ज्यादातर दक्षिण के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, और ये मांसाहारी सांप होता है। ये अपने से छोटे सांपों को भी खा लेता है और चूहे वगैरह का भी शिकार करता है। कई बार क्या होता है कि कई सारे एरियाज के जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि भगवान शिव के गले में जो नाग है वो कोबरा ही है, यानी कि यही एक नाग है, तो इस वजह से इसे कभी मारते नहीं है। तो ये तो हो गई फर्स्ट सांप के बारे में। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड जो जहरीला सांप पाया जाता है वो होता है करैत, जिसे कॉमन क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, और इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिस्तर में घुसकर सोते हुए इंसान को काटता है, और कई जगह तो व्यक्ति की नींद भी नहीं खुल पाती और वो दम तोड़ देता है। इसके जो दांत होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, इस वजह से जब ये काटता है तो इसके काटने का पता नहीं चलता, यानी दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए कॉमन कुरैत को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुरैत के बारे में। और इसका जो खून होता है बहुत ठंडा होता है, इस वजह से यह गर्म जगहों पर घुसने की कोशिश करता है। करैत अपने से छोटे सांप, चूहों और मेंढक का शिकार करता है। यह रात के अंधेरे में ही निकलता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके काटने का पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसके दांत बहुत छोटे होते हैं और दर्द महसूस नहीं होता, इस वजह से कई बार नींद में ही मौत हो जाती है। तो सेकेंड आपका हो गया कुरैत। थर्ड है आपका रसेल वाइपर, जिसे दुबोया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चार प्रकारों में से एक है, बहुत जहरीला होता है, और ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में देखने को आपको मिलेगा। तो ये थर्ड प्रजाति हो गई। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है आपका साइसगर वाइपर, यानी कि अफाई, इसे हिंदी में अफाई के नाम से जानते हैं। ये छोटा होता है, यानी अगर तीनों का कंपैरिजन में ये छोटा होता है। ये भारत के चार सबसे जहरीले सांपों में सबसे छोटा है, ये मैंने आपको बताया है। दुनिया में सबसे ज्यादा इसी सांप के काटने से लोग मरते हैं। इसका एंटी वेनम उपलब्ध है, यानी इसके जहर की जो काट है वो तो वैज्ञानिकों ने ढूंढ ली, डॉक्टरों के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डेथ रेट है वो 20% है, यानी हर 5 में से एक शिकार की मौत हो जाती है। यानी अगर इसने 5 लोगों को काटा है तो उसमें से एक की मौत पक्का है। तो ये भी बहुत ज्यादा जहरीले सांप होते हैं। तो हमने बेसिकली चार प्रकार के जहरीले सांपों की बात की जो भारत में पाए जाते हैं, नाग, दुपोया, अफाई एंड कुरैत। चारों आपको दिए गए हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वो ये है कि सांप के जो जहरीले दांत होते हैं वो कितने होते हैं। ये आपको याद रखना है कि सांप के सिर्फ दो जहरीले दांत होते हैं और ये खोखले होते हैं, और इन्हें फैंग भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि विषदंत को क्या कहते हैं, तो फैंग कहते हैं, सांप के विषदंत को फैंग कहते हैं। ये आपकी विष थैली है। जब सांप किसी भी व्यक्ति को काटता है तो ये विष थैली से जो जहर है, जो सांप का जहर है, विष है, वो दांतों में इंजेक्ट हो जाता है, यानी दांतों में आ जाता है और दांतों के थ्रू मनुष्य की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ नस भी दिखाई गई है, ये विष नस है जो आपकी विष थैली से रिलेटेड होती है और ये कनेक्ट होती है दांतों से। जैसे ही सांप काटता है तो दांत से जो विष थैली से जो विष आता है वो मनुष्य की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। और मनुष्य की बॉडी में अगर जहर इंजेक्ट हो गया है तो सांप के जहर के प्रभाव से बचने के लिए एक दवा दी जाती है जिसे कहते हैं सीरम। और सीरम नामक जो दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांप के काटने के प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को कौन सी दवा दी जाती है, तो वो दी जाती है सीरम। और सीरम बनती किससे है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, लेकिन ये कभी भी अपने शिकार को चबाता नहीं है, डायरेक्ट निगल जाता है, पूरा निगल जाता है, कभी भी चबा के नहीं खाएगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो चबाते हैं काफी टाइम तक, वैसा ये नहीं करता है, ये डायरेक्ट निगल जाता है। और सांप के कोई बाहरी कान भी नहीं होते हैं, यानी कि जब आप देखते हो सांप का नाचना, देखते हो कभी गाँव में या कभी सुना होगा या कभी टीवी में वीडियोज में आप देखते हो, तो आपको लगता होगा कि सांप बीन की आवाज सुनता है तो वो नाचता है,
ऐसा नहीं होता। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो बीन की आवाज नहीं सुन सकता है, वो किसी भी प्रकार की आवाज नहीं सुन सकता, वो सिर्फ और सिर्फ जमीन में हो रहे वाइब्रेशन के थ्रू उसे पता चलता है। जैसे कोई आ रहा है उसके आसपास, तो वाइब्रेशन होगी किसमें, जमीन में, तो उस वाइब्रेशन से वो पता लगा लेता है कि हाँ आसपास कोई है, मुझे सुरक्षित होना चाहिए। यानी वो वाइब्रेशन से ही फील कर पाता है, महसूस कर पाता है, और उसके कोई बाहरी कान नहीं होते किसी भी प्रकार की आवाज को सुनने के लिए। नेक्स्ट है आपका कालवेलिया जनजाति। कालवेलिया जनजाति जो है वो बेसिकली आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, ये एक प्रकार की ट्राइब है यानी जनजाति है। और इसमें कालवेलिया जो नृत्य है बहुत ज्यादा फेमस है, क्यों, क्योंकि कालवेलिया नृत्य कालवेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और इसमें सांप की मुद्राएं जैसे कुछ यानी कि उनके जो एक्शन होते हैं वो कुछ न, कुछ बहुत सांप से मिलते जुलते हैं, तो इस वजह से इन्हें कालवेलिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस नृत्य को। और कालवेलिया जनजाति के रोशन नाथ जी, इसके बारे में भी यानी इनके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो रोशन नाथ जी थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे। किस जाति से रिलेटेड थे, कालवेलिया जनजाति से। क्यों फेमस थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जहरीले सांपों को भी बहुत आसानी से, बहुत सिंपलिसिटी यानी बहुत ही ज्यादा आसानी से बिना डरे पकड़ लेते थे, इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। और सपेरों को कालवेलिया भी कहा जाता है। सांप को सुनाई नहीं देता, जैसा कि मैंने आपको बताया, वे केवल बीन की गति के अनुसार अपना सिर हिलाते हैं। जैसे जैसे सपेरे बीन हिलाते जाते हैं वैसे वैसे सांप भी अपना सर हिलाता जाता है, तो लोग कहते हैं कि देखो सांप नाच रहा है, सांप बीन की आवाज पर नाच रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है, सांप को सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ देखता है, उसे फॉलो करता है और वैसे ही कुछ करने की कोशिश करता है। सांप खेतों में चूहों से फसलों की रक्षा करने में मदद करता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो चूहे होते हैं वो क्या होते हैं, सांप के शिकार होते हैं, सांप चूहों को खाता है। चूहे क्या करते हैं, फसलों को बर्बाद करते हैं। जब जो सांप है वो चूहों को खाएगा तो कहीं ना कहीं फसल की रक्षा तो होगी। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की बुक में सांपों के बारे में दी गई थी वो सभी मैंने आपको बता दी है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इन्हीं से आपको पूछी जाएगी। तो अगर आपने ये सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेगी। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करना है सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उन्हें क्लियर कर सकूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।